तो गाइस आप लोगों ने देखा कि यार कितना जबरदस्त धमाका था, बंद भी नहीं हो रहा है। वाह, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज काफी दिनों के बाद जो है स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, वो भी कांचापाड़ा में। घर चला गया था, उसके बाद तो उधर का ही वीडियो डाल रहा था, ब्लॉग भी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था, तो ब्लॉग बना नहीं रहा था। तो आज काफी दिनों के बाद जो है कांचापाड़ा में फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो है जब घर से आया, मैं बता देता हूँ, जब जमालपुर से आया हूँ तो साथ में मम्मी भी आई हुई थी, मम्मी और सौरभ भी आया हुआ था, पर सौरभ अभी कॉलेज चला गया है। तो अभी जो है मैं वर्कशॉप में हूँ और देख सकते हो मेरे पीछे कितना सारा ट्रेन लगा हुआ गाइज। मतलब संडे है, भीड़ काफ़ी कम है, भीड़ है ही नहीं। तो ये सब देख सकते हो गाइज, ये सब सारा चीज़ यहाँ खुलता है और यहाँ लगता भी है। तो यही बहुत ही, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि मतलब ख़तरनाक जगह ऐसा लगता है कि मतलब कि काम करने में भी डर लगता है भाई। मतलब कहीं मतलब पूरा सेफ्टी के साथ यहाँ काम करना पड़ता है, हेलमेट वगैरह यूज करना पड़ता है और ग्लव्स यूज करना पड़ता है, सेफ्टी शूज यूज करना पड़ता है। मतलब कि जैसा काम है उस तरह से आपको सेफ्टी लेना पड़ेगा, तेल वाला काम है तो उस तरह से उसका सेफ्टी लेना पड़ेगा। तो ये सब है वर्कशॉप का रूल भाई। ट्रेन का जो है नीचे का सारा चीज़ खुल चुका है, उसके बाद इसमें हेडलाइट वगैरह, साउंड वगैरह सब कुछ लगता है। तो ये है हमारा वर्कशॉप। और ड्यूटी आवर में तो गाइस मतलब कि एकदम यहाँ पूरा काम होते रहता है, काम एकदम रुकता नहीं है। और जिस समय ड्यूटी मतलब लंच के टाइम और छुट्टी के टाइम यहाँ खाली नज़र आएगा आपको। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये सब चीज़ विश्वकर्मा पूजा में जब आएंगे ना तो मैं बहुत चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय अलाउ रहता है थोड़ा बहुत। तो अभी गाइस निकल चुका हूँ और चलते हैं अभी जल्दी से। शायद सोच रहा हूँ मैं चिकन वगैरह ले लूँ। और इधर देख सकते हो 20 नंबर गेट, आज बिना हेलमेट का भाई रिकॉर्डिंग कैसा आ रहा है। तो गाइस अभी आ चुका हूँ रूम, और रूम तो आ गया हूँ पर सोच रहा हूँ क्या करूँ खाना पीना। संडे है, मन कर रहा था चिकन मटन कुछ खाने का भाई, हड्डी तोड़ करके। तो लेकिन अभी सोच रहा था लाने के लिए जाऊँगा पर हेलमेट नहीं है, और ब्रिज के उस पार जो है मतलब हमेशा पुलिस चेकिंग रहता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, मतलब इधर से ले आऊँ या हेलमेट ले करके जाऊँ साथ में। कुछ चिकन या मटन कुछ खाने का मन कर रहा है भाई। तो चुका हूँ ये मटन, देख सकते हो ये डॉगी एक सीढ़ी पे बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो यहाँ बोलो, क्यों बैठे हो? मटन भी आ चुका है घर, ज़्यादा नहीं, 200 रुपए का लिया अकेला तो खाना है। मटन बनाने के लिए जा ही रहे थे कि पता चला कि ट्विन टावर दिल्ली वाला गिरने वाला है। तो अभी मैं और मम्मी लेकर के मोबाइल बैठ गए इधर साइड में, ये देख सकते हो भाई। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि यार कितना जबरदस्त धमाका था। मतलब सोच सकते हो भाई, मतलब कि इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाने वाला भाई क्यों, मतलब जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से बनाना चाहिए था। यदि उस हिसाब से तो अभी कितना लॉस हुआ होगा बनाने वाले को, जिनका ये बिल्डिंग होगा जो भी है। तो सोच सकते हो कि मतलब यार क्या बोलूँ मैं अब, लेकिन इतना भयंकर बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग जो कि मतलब कि ट्विन टावर के नाम से जाना जा रहा था, वो भी अपने देश में। तो थोड़ा सुन करके भी अच्छा लगता है कि चलो अपने भी देश में कुछ अच्छा चीज़ है, मतलब कि देखने लायक ये इतना लंबा टावर हो। जैसे मलेशिया का ट्विन टावर देखो गाइस, तो रूल के साथ यदि कोई काम करने पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर कोई नहीं बिल्डिंग तो गिर गया भाई। मतलब पहले लग रहा था कि यार देखने में मज़ा आएगा, पर कहीं ना कहीं जिस तरफ गिरने लगा ना बिल्डिंग, मतलब सच बोलूँ मतलब अंदर से लगने लगा यार इतना बनाया हुआ, इतना मेहनत, इतना पैसा लगाया हुआ, सब एक बार में ख़त्म हो गया। तो चलो कोई नहीं, और अभी चलते हैं भाई मटन बनाने के लिए। अभी गाइस ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया हूँ और अभी जो है चलते हैं जल्दी से, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं। खाना वगैरह मतलब खाना बोला जाए तो सिर्फ मुझे ये बनाना है, मटन बनाना है, बाकी रोटी तो पहले से बना हुआ है ही। इधर गाइस मम्मी को जो है छोटा वाला भाई जो है फेसबुक अकाउंट खोल करके, इसमें जो है मतलब पता नहीं किनका किनका नाम आ रहा है फैमिली मेम्बर सब का, आप सबको पहचान रही है कि भाई ये सब का कहाँ से आ गया नाम। मम्मी के फेसबुक अकाउंट पे गुरु महाराज आ गया है मम्मी का, लेकिन वो किसी और का नाम है। तो अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या कि ये मटन बनाते बनाते जो है मम्मी को फेसबुक चलाने के लिए भी सिखा दो, व्हाट्सएप के बारे में भी बता दो, व्हाट्सएप क्या, व्हाट्सएप
अच्छा पानी भर गया, पहले पानी बंद करके आता हूँ। इसलिए अटेंशन प्लीज, मोटर बंद करो, ऐसा बोलता है वो। हाँ मैं बोल रहा था कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में मम्मी को सिखा देता हूँ, वो भी अपने लैंग्वेज में, मम्मी से और पापा से घर में जो है मतलब अपने लैंग्वेज में बात करता हूँ। मतलब बोलते हैं ना, जो जहाँ पर रहता है बचपन में, लैंग्वेज भी इंसान का वैसा ही हो जाता है। मतलब कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, ठेठी बोलते हैं, मतलब ठेठी में बात करते हैं मम्मी से और पापा से, तो मैं वैसे ही बात करूँगा। बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा मैं आप लोगों को हिंदी में समझा दूँगा। तो अभी मैं मम्मी को बता देता हूँ कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है। ऐसे ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप काफ़ी है, व्हाट्सएप ठीक है, फेसबुक चलाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं व्हाट्सएप के बारे में बताऊँ, फेसबुक के बारे में सिर्फ आइडिया देता हूँ कि फेसबुक क्या होता है, और व्हाट्सएप तो पता है ही। थोड़ा तो बता दीजिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप की होता है, ठीक है। फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप के बारे में तो पता, व्हाट्सएप जो है सिर्फ मैसेजिंग के लिए है। मतलब मैसेज करना है, वीडियो कॉल करना है, या फोटो भेजना है, एक वीडियो भेजना है, तब वो काम के लिए जो है फिर व्हाट्सएप ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। व्हाट्सएप में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स सब भी भेज सके। बाकी फेसबुक जो है, फेसबुक भी उसी तरह होगा, मैसेज कर सके, कॉल कर सके, लेकिन लीजिए मैसेंजर या फिर फेसबुक लाइट यूज करना पड़ेगा, मतलब छोटा फेसबुक, फेसबुक के भाई छोटा। व्हाट्सएप में कैसे देखेंगे, मतलब साइड स्टेटस आ रहा है, स्टेटस से लगा बात की देखेंगे, स्टेटस से अभी बता के रखेंगे, तो सब कैसे करना, यही फेसबुक का व्हाट्सएप। मटन जो है अच्छे से धो लिया हूँ, और इधर बहुत भाई हेयर भी जो है ना बहुत बड़ा बड़ा हो गया, किसी दिन जा करके जो है हेयर कटाना, संडे था पर ड्यूटी था इसीलिए मैं कटाया नहीं, तो शाम में नहीं होगा तो ये अगले दिन किसी और दिन जा करके कटवा लूँगा। मैंने क्या किया है ये देखो, चला हमने खराब हो साहब, घर नहीं सकते हो कि ये मटन जो एकदम क्या मस्त भाई बन रहा है। आप लोग, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ये कैमरा को, तो ये देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है ना। मतलब अभी जो है ना इसको फिर इसमें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो है उसके बाद मैं फिर इधर इसमें कुकर में डाल करके दो चार सीटी डलवाऊंगा ताकि। तो अभी गाइस बंद करके मतलब एकदम रेडी हो चुका है, मतलब कुकर में डाल दिया हूँ, कुकर में मतलब कि सीटी बल्ब, मतलब इसका गैस जो है ना ये बाहर निकलेगा, उसके बाद भाई देखता हूँ किस तरह से बना है। देख सकते हो यार कितना मतलब कि टेस्टी लग रहा है। मैं अभी थोड़ा सा इसको गाइस देख सकते हो कितना मतलब ग्रेवी, ये काफ़ी अच्छा जो है मतलब कि सीज चुका है, और यार कितना मस्त लग रहा है, मतलब एकदम ग्रेवी सब देख सकते हो, और सीज तो गया ही अच्छे से। अब चलिए चलते हैं जल्दी से खाते हैं, या अभी काफ़ी टेस्टी बना है तो चलिए अभी जल्दी से खा लेते हैं। तो गाइस क्या हुआ कि मतलब कि खाना पीना दिन में खाया ना, उसके बाद एकदम सो गया था, इतना भयंकर नींद आया ना, तो मैं शाम में उठा, उसके बाद जो है उठने के बाद वही क्रिकेट का मैच आ रहा था ना लाइव हॉटस्टार पे, तो वही देखने लगा, और उसके बाद अब क्रिकेट का क्या होगा वो तो अब जब इंडिया बैटिंग करेगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो मैं प्रोजेक्टर लगा दिया हूँ दूसरे वाले रूम में ताकि भाई अच्छे से बैठ करके देख सकूँ मैं। तो गाइस ये देख सकते हो कि मतलब कि अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब प्रोजेक्टर इस तरह, मतलब कि वाइट कलर का दीवार नहीं था ना, तो इसी वजह से जो है मैं ये वाइट कलर का यहाँ कपड़ा लंबा सा लटका करके जो है लगा दिया हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब टेढ़ा नज़र आ रहा है, पर काफ़ी अच्छा। इधर पर प्रोजेक्टर रखा हो भाई, जैसे तैसे ऊँचा कर रहा था, तो सेटिंग तो किया हुआ है नहीं पहले, तो भाई प्रोजेक्टर तो देखा कि मतलब प्रोजेक्टर जैसे जैसे तैसे लगा दिया हो, मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि प्रोजेक्टर लगा करके जो है मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, तो अभी लगा चुका हूँ, तो सोचता हूँ चलो अच्छा ही है, मतलब स्क्रीन क्वालिटी बड़ा मिल रहा है, एकदम बड़ा सा पर्दा, वो तो और मतलब जगह रहता है ना, तो प्रोजेक्टर को थोड़ा पीछे कर देने से और भी बड़ा साइज का वो दिखता है। और